नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश भाग्य का फल में और मैं आपके साथ हार्दिक दवे। आज देश भर में दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अधर्म पर धर्म की जीत का है यह पर्व, असत्य पर सत्य की जीत का है यह पर्व। यह त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की जीत का और अहंकार के नाश का। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व विजय पर्व है, तो ऐसे में आज किस तरह से आप इस पर्व को खास बना सकते हैं और आज के दिन में क्या विशेष होने वाला है, बात आज इसी पर करेंगे। शारदीय नवरात्रि का समापन हो चुका है और नवमी के ठीक अगले दिन यानी कि दशमी तिथि पर विशेष रूप से माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा की जाती है। इसके अलावा दशहरे पर हवन होता है, पूजन होता है और सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र पूजन होता है। घर में अगर कोई शस्त्र हो तो उसका विधि विधान से जरूर पूजन कीजिए। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। जी, आज का दिन किस तरह से खास है, आज कौन कौन से ऐसे मुहूर्त हैं, ऐसे कौन कौन से योग हैं जो खास इस त्यौहार को मनाते हैं, और फिर हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े होंगे, क्योंकि अगर हमारे से जुड़े लोगों के मन में कोई शंका है, कोई आशंका है, कोई सवाल है, तो हमारे साथ जुड़कर वो पंडित जी से अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो मैं एक बार दोहरा देता हूँ, 01207153787। अंग्रेजी में दोहरा देता हूं, 01207153787। अगर ये नंबर न लगे तो एक और नंबर है, 01207153826, यानी 01207153826। तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए, अपने मन की शंका का समाधान कीजिए। अगर आज के दिन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो हमसे बिल्कुल पूछिए। और मेरे साथ पंडित जी लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित जी, आज का दिन कैसे खास हो सकता है? मुहूर्त की बात होती है, योग की बात होती है, विजयादशमी विजय का पर्व है, तो आज के दिन ऐसा क्या खास करें और किस समय पर करें जिससे कि हमारी विजय हो, हमारे दर्शकों की विजय हो, साल भर सक्सेस मिलती रहे, सफलता मिलती रहे? देखिए दवे साहब, विजयदशमी का पूजा का बड़ा महत्व है जी, और दशहरे की पूजा दोपहर के समय हम करते हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार विजयदशमी पर माँ दुर्गा के साथ देवी अपराजिता की पूजा करने का विधान होता है। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा, दुर्गा पूजा, भगवान राम की पूजा, समीप जो है पेड़ उसकी पूजा का काफी महत्व है। दशहरे की पूजा विजय मुहूर्त में ही की जाती है। वैसे तो विशेष तौर पे आप देखते हैं कि प्रदोष काल में रावण का दहन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में जो आज 24 सितंबर को शाम 5:43 के बाद जी रावण दहन करने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। वही रावण दहन करने का सबसे उत्तम समय दूसरा शाम 7:19 से रात 8:54 के मध्य रहने वाला है जी। ये आपने सही कहा, दशहरा असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। देश भर में दशहरे के इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और सनातनियों के लिए ये बड़ा एक अहंकार को जला देने वाला, अहंकार को खत्म कर देने वाला पर्व के रूप में देखा जाता है। जी पंडित जी, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज है जो आप बता रहे हैं कि हम अपने अहंकार को खत्म कर सकते हैं। हमारे त्योहार यानी कि सनातन धर्म से जुड़े त्योहार न केवल ईश्वर पूजा या ईश पूजन के लिए हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर छिपे हुए बुराई को, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई सभी चीजों को भी सुधारने का काम करते हैं। कोई भी त्यौहार आता है तो एक त्यौहार है जो हमारे अंदर उल्लास जगाता है, एक त्यौहार है जो हमें विजय का एहसास कराता है, एक त्यौहार है जो हमें असत्य से, अहंकार से दूर रहना सिखाता है, और ऐसा ही आज का त्यौहार है। आज के त्यौहार में दो मुहूर्त की बड़ी खास महत्ता होती है पंडित जी, एक तो है विजय मुहूर्त और एक है अभिजीत मुहूर्त।
लोगों को समझ नहीं आता इन शब्दों का मतलब, इन शब्दों का मतलब समझाइए कि मुहूर्त में ही क्यों रावण दहन होना चाहिए, किसी खास मुहूर्त में ही पूजा क्यों होनी चाहिए, आज का दिन कैसे हम खास बना सकते हैं और इस मुहूर्त में पूजा करने से ऐसा क्या मिलता है विशेष, ये जानना चाह रहा था मैं। देखिए, 10 दिन से चलने वाले युद्ध में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था जी और भगवान राम ने रावण का अंत करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए दशहरा का पूजन और उसका शुभ मुहूर्त विशेष महत्व रखता है। जी मैं सभी को बताना चाहता हूं कि 10वीं तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर शाम 4:44 पर शुरू हुआ। 10वीं तिथि का समाप्ति 3:14 पर आज 24 तारीख को हो रहा है, जी लेकिन ये सूर्य उदय तिथि होने से संपूर्ण दिन जो है विजयदशमी रहेगा। अब हम बात करते हैं कि विजयी मुहूर्त क्या होता है। अभिजीत मुहूर्त, देखिए अभिजीत मुहूर्त में सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 27 नक्षत्र जो है, जी 28वां नक्षत्र अभिजीत के नाम से जाना जाता है। अभिजीत के स्वामी ब्रह्मा होते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए प्रत्येक कार्य सदैव सदैव सफल रहते हैं। और विजयी मुहूर्त होता है दोपहर 1:58 से 2:43 के मध्य दोपहर। जी दूसरा विजयी मुहूर्त की बात करें तो शाम के समय आसमान में तारे दिखाई देते हैं, तब विजयी मुहूर्त माना जाता है, जी जिसको हम अभिजीत मुहूर्त के रूप में देखते हैं। ऐसे विजयी मुहूर्त को गोधली मुहूर्त माना जाता है। जी हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में रावण का दहन करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि रावण एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। रावण बड़े बड़े प्रखंड व्यक्ति थे, पंडित थे। ऐसे में उनका अहंकार के कारण सर्वनाश हुआ। अहंकार को जलाया जाना एक शुभ घड़ी में, ताकि हम अहंकार छोड़ सकें। शुभ घड़ी में कोई भी कार्य का शुरू देते हैं तो शुभ परिणाम देने वाला होता है। जी दशहरा की पूजा दोपहर के समय इसलिए उत्तम माना गया है, क्योंकि ये दोपहर में करने से आपको विजय प्राप्त होती है। और गाय के गोबर से षटकोणीय आकृति बना करके 9 गोले 2 कटोरियां बनाई जाती हैं। इन कटोरियों में से एक में चांदी का सिक्का, दूसरी में रोली चावल और जौ फल रखते हैं। इसके बाद रोली चावल पुष्प और जौ के ज्वारों से भगवान राम का स्मरण करते हुए पूजा करें। जी पूजा के बाद बहन अपने भाइयों के दाएं कान में जौ लगाकर भगवान से अपने भाई के अच्छे जीवन की प्रार्थना करते हैं। जी इस दिन समी वृक्ष का पूजन करते हैं। सभी दर्शकों की जानकारी में लाना चाहेंगे, समी वृक्ष के बिना फेरे नहीं होते। समी पत्ते जो हैं वो फेरों में बहुत महत्वपूर्णता स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो ये कि आज के दिन सोना पत्ती दी जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों के पैर छूते हैं, सोना पत्ती देते हैं, तो वो परंपरा कैसे शुरू हुई, उस परंपरा का आज क्या महत्व है, अगर हम आज एक दूसरे को सोना पत्ती दें तो उससे क्या होता है। एक और परंपरा है शस्त्र पूजन की, तो सनातन धर्म तो शास्त्रों का पूजन करता आया है, ये जो शस्त्र पूजन है ये एक नई परंपरा आज के दिन अपनाई जाती है, इस परंपरा का महत्व भी बताइए कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र का पूजन होना क्यों जरूरी है। देखिए ये ठीक बात है, शस्त्र एक देवी के रूप में देखा जाता है जी, और इस उद्देश्य से कि सीमा की सुरक्षा में देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जी, ऐसी मान्यताओं के अनुसार रामायण काल से ही शस्त्र पूजा की परंपरा ये चली आ रही है। भगवान राम ने भी रावण से युद्ध करने से पहले शस्त्र पूजा की थी। शस्त्र पूजा के शास्त्रों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन पर गंगाजल छिड़का जाता है और शस्त्र पूजन का बड़ा महत्व है। और ये बात सही है कि शस्त्र पूजन क्यों जरूरी है, तो आयुध पूजा का संबंध माँ दुर्गा से है। नवरात्रि में मनाए जाने वाला पर्व शक्ति का पर्व होता है और इसमें शस्त्र यंत्र उपकरणों का पूजन करने से सफलता प्राप्त होती है। क्षत्रिय युद्ध पर जाने के लिए दशहरा का दिन चुनते थे ताकि विजय का वरदान मिले, ऐसा हमारे परंपराएं
प्राचीन काल से चली आ जी रही है। जी पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी, अब हम अपने कुछ कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि लोग हैं, लोगों के मन में अनेक शंकाएं हैं, शंकाओं के साथ बहुत सारे सवाल हैं, और मुझे लगता है कि अगर हमारे माध्यम से उन्हें जवाब मिल जाए तो इससे बेहतर विजयादशमी का पर्व न हमारे लिए हो सकता है न उनके लिए। मेरे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, सीधे उनसे संपर्क कर लेता हूँ। जी, आपका नाम बताएंगे आप, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार गुरु जी, मैं जयपुर से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। जी जी ओम प्रकाश जी। आयुष्मान, दशहरा की शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। हाँ गुरु जी, आपके चरणों में शत शत नमन। आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे का अच्छा कैरियर बन गया, अच्छा सब कुछ चल रहा है। गुरु जी मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा बच्चे विदेश में भी जाने का योग है, और हमारे मकान का योग कब तक है ये मेरे को बताएं। बच्चे का नाम है तन्मय, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002, समय है 4:03 शाम को, शाम और जन्म जी। स्थान है कोटा राजस्थान। तो गुरुजी इनका नौकरी चेंज करना भी चाहता है, बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन नौकरी में कब तक चेंज होगा, और अच्छा विदेश जाने का योग कब तक है ये बताएं गुरुजी। देखिए दवे साहब, यहाँ ओम प्रकाश जी और जो है हमारे नियमित रूप से दर्शक हैं, जी और मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में पूरे संपूर्ण संसार में इस प्रोग्राम को देखते हैं, और वो बिल्कुल प्रतिदिन के दर्शक हैं। जी अभी ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि आपके कारण, मैं कहता हूँ हमारे कारण नहीं, भारतीय वैदिक ज्योतिष की फलादेश के कारण आपका कार्य हो रहा है। जी साथ में ही आप जो है बताए गए उपायों को आत्मसात करते हैं, आप उसको आचरण में लाते हैं, इसलिए आपके काम बनते हैं। बिल्कुल इसी के साथ आप देखिए ओम प्रकाश जी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर अपनी गलत फहमी ना पाले, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ना भगवान होता है ना भाग्य विधाता होता है, केवल मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति होता है। बिल्कुल इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बच्चे के प्रारब्ध और आपका पूरा आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और हमें तो भगवान माध्यम बना करके अच्छे लोगों से मिलाता है, जो हमारी बात कहीं भी उपाय को आत्मसात करते हैं, आचरण में लाते हैं और कार्य बनते हैं, तो हमारे चैनल का हमारा नाम होता है। बिल्कुल आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। आपके बेटे का विदेश जाना निश्चित रूप से तय होता है। आपको बता दें कि राहु इनका उच्च का लाभ घर में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में इन्होंने वृषभ लग्न में जन्म लिया है, शुक्र की महादशा है, शुक्र इनका सबसे प्रभावी ग्रह इस कुंडली में दर्शित होता है, शुक्र अस्त पाप ग्रहों के मध्य बैठा है, केतु सूर्य इसकी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, मगर शुक्र त्रिकोण का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, जो बहुत सफल देने वाला होता है। जी इनको निश्चित रूप से हरा चारा गायों को प्रतिदिन देना शुरू करना चाहिए, और प्रतिदिन यदि ये कर सकते हैं तो एक हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ करना नियम बना ले, अवश्य ने लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ओम प्रकाश जी, ज्योतिषाचार्य जी की ओर से भाग्यफल तो बहुत ही सकारात्मक है, आपका आशीर्वाद अपने बेटे के साथ है, हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी शंका का समाधान तो हुआ ही होगा, लेकिन जिस विजय के लिए आप बेटे के लिए जिस विजय की अपेक्षा कर रहे हैं, वो विजय भी आपके बेटे को जल्द ही मिले। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी, आप अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए, आपके मन में क्या सवाल है। ज्योतिषाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जी मेरा सरसत नमस्कार, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी आयुष्मान, श्री राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। मैं ये पूछ रहा हूँ मेघा मारोठिया के लिए, मेघा कोई लिए पूछ रहा हूँ अपनी पोती के लिए, कि उसका जन्म है 7 अगस्त 2005 और जन्म समय है शाम को 5:10 और उसका जन्म स्थान है सुजानगढ़। तो ये है कि उसके पढ़ाई में मन उसका तेजी से लगे और ज्यादा याद करने की कोशिश करे और ज्यादा पढ़े, तो उसके लिए क्या मेरे पास 5 व 5 प्रति का पन्ना पड़ा है, उसे पहना दूं क्या दाएं दाएं हाथ की छोटी अंगुली में चांदी के अंदर शाम को।
आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। देखिए आपके लिए बताना चाहेंगे कि सुरेंद्र जी हमारे कार्यक्रम को बिना देखे अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। मैंने आपसे कहा कि संपूर्ण संसार में लाखों की संख्या में इस प्रोग्राम को देखे बिना अपना दिन की शुरुआत नहीं करते हैं, और सुरेंद्र जी प्रतिदिन कार्यक्रम को देखते हैं। आपको बड़ी मंगल शुभकामना, पोती को बहुत आशीर्वाद है, धनु लग्न में जन्म हुआ है और सूर्य इनका अष्टम भाव में बैठा है, सूर्य की महादशा चल रही है। नवम भाव का स्वामी और अष्टम भाव में बैठना सूर्य योग कारक ग्रह बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि सूर्य अति बलि शुभ ग्रह माना जा रहा है, इसलिए इनके नैसर्गिक पाप ग्रह सूर्य हैं। उसके बावजूद भी ये निश्चित रूप से सूर्य मित्र राशि कर्क राशि में बैठा है, इसलिए इनको आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। ये बच्ची पढ़ाई में तेज हो, इसके लिए प्रतिदिन गणपति को ध्रुवा अर्पण करें। ओम कांडात कांडात प्रोहंती परुखय परखुष्परी एवानु दुर्वे प्रयत्न सस्तिन सतेन च। गणपति को आप ध्रुवा जरूर अर्पण करने के लिए कहें, प्रतिदिन करें। और यदि ये पन्ना धारण करते हैं चांदी में लॉकेट में गले में, हरे कलर का पन्ना होता है, तो इनको बहुत शुभ रहेगा। अभी पुखराज पहनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है। तो सुरेंद्र जी, आप सीधे जुड़े पंडित जी से, उन्होंने आपको उपाय बताए हैं कि कैसे आपकी पोती एकाग्रचित्त हो सकती हैं, कैसे पढ़ाई में और ज्यादा ध्यान लगा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भी इस शो को देखेंगी तो जरूर इन सभी उपायों को करेंगे, और न केवल उपायों को बल्कि पढ़ाई में अपना और ज्यादा मन लगाए। आप उन्हें और ज्यादा प्रेरित कीजिए कि वो अपने भविष्य में बहुत अच्छा करें। विजयादशमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे साथ कॉलर जुड़े थे पंडित जी, अब सीधे रुक कर लेते हैं राशियों का, क्योंकि एक एक राशि के बारे में अगर आप बता सकें कि कौन सी राशि के लिए आज का दिन कैसे खास हो सकता है, तो आप बताएं कि आज किस राशि वाले व्यक्ति के लिए दिन सबसे अच्छा होगा, और कौन कौन से राशि वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें आज कुछ खास उपाय अपनाने चाहिए अपने आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों को कल्याणकारी मंत्र बताते हैं, ओम अंग अंगारकाय नमः। कीमती वस्तुएं संभाल करके रखने की जरूरत है। व्यापार बहुत ठीक रहेगा, मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। परिवार के साथ समय मनोरंजन में आपका व्यतीत होने वाला है। आय होगी, काम में मन नहीं लगेगा, बाहर जाने की योजना जरूर बन पाएगी। पूरी खबर आज प्राप्त हो सकती है। दौड़ धूप अधिक रहेगी, वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग। आज मंत्र आपके लिए ओम शुम शुक्राय नमः। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे, मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा, पार्टी में पिकनिक का कार्यक्रम आज बन रहा, मनोरंजन का समय बहुत अच्छा रहेगा, कारोबारी वृद्धि की योजना बन रही है, समय की अनुकूलता आपके प्रति बनी रही है। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शक। आज मंत्र का जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः। स्थायी संपत्ति के कार्य बड़ा लाभ दे सकते हैं, रोजगार प्राप्ति के प्रयास आज आपके सफल रहेंगे, यात्रा मनोरंजन रहेगी, समय की अनुकूलता का लाभ लें, विवेक से कार्य करें। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज ओम रावे नमः, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। आज उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, मित्रों की सहायता करने का मौका मिलेगा, समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा, प्रसन्नता रहने वाली है। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। ओम रीम सूर्याय नमः। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होने वाली है, आत्मसम्मान बनेगा, भूले बिसरे साथियों से आज मुलाकात हो रही है, नए मित्र भी बनेंगे, कोई बड़ा कार्य करने की इच्छा जागृत हो रही है। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए।
ओम बुद्धाय, ओम बुद्धाय नमः, मनोरंजन के साधन प्राप्त होंगे, धर्म कर्म कार्यों में रुचि रहेगी, घर बाहर प्रसन्नता रहेगी, परिवार के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। ओम चम चंद्रमसे नमः, आज व्यापार ठीक रहेगा, यात्रा में विशेष सावधानी रखें, मित्रों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, डूबी हुई रकम प्राप्त हो रही है, प्रयास करें, दूर से अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जीवन साथी से सहयोग आज आपको प्राप्त होता है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, योजना फलीभूत होंगी, कार्यस्थल पर परिवर्तन हो सकता है, कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता बनती है, मित्रों के साथ समय मनोरंजन के साथ बीतेगा, लेन देन में जल्दीबाजी ना करें तो ठीक रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। ओ सम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप करें, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त हो रहा है, लाभ के अवसर आज हाथ में आएंगे, समय सुखमय व्यतीत हो रहा है, बुद्धि का प्रयोग किसी भी समस्या का निवारण आज कर सकता है। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, प्रसन्नता रहेगी, मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, मनोरंजन होगा, छोट व दुर्घटना से हानि संभव है, तीर्थ दर्शन की योजना बनेगी, लाभ के अवसर हाथ में आने वाले हैं, जल्दीबाजी व लापरवाही भारी आज पड़ सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मीन राशि के जातकों के लिए मंत्र रहेगा ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, नवीन वस्त्र आभूषण की प्राप्ति पर व्यय होता है, व्यापार लाभदायक रहेगा, दूसरों के काम में दखल ना दें, मित्रों के साथ समय मनोरंजन में व्यतीत होगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, यात्रा मनोरंजन आपकी बनी रहेगी, कोई बड़ा कार्य होने से प्रसन्नता रहती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी 12 राशियों के बारे में बताया और सुनकर लगा कि सभी के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन विजयादशमी का त्यौहार है, हम अपनी ओर से आपके लिए सभी के लिए यही शुभकामनाएं करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, विजय हासिल हो, आपका घर धन और समृद्धि से सराबोर हो, और इसी के साथ आप जो चाहें या जो न भी चाहें उससे ज्यादा प्राप्त करें और हासिल करें, यही शुभकामनाएं जी राजस्थान परिवार की ओर से आप सभी को। आज के लिए फिलहाल इतना ही, यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।